सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज रिलीज हो चुके हैं पोकेमोन स्कारलेट एंड वायलेट। मुझे लगता है सारे पोकेमोन फैंस इस गेम का काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे एंड हियर दे आर। मैं इस गेम के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेरे लाइफ में पहली बार है जब मैं किसी पोकेमोन गेम को उसकी रिलीज डेट पर खेल रहा हूँ। सो हम कोई वेट नहीं करेंगे, जल्दी से शुरू करते हैं इस जर्नी को। ओके, व्हाट चेंज हेयर स्टाइल एंड चेंज लुक, मतलब पोकेमोन वाले पहली बार कस्टमाइजेशन ऑप्शन शुरू से दे रहे हैं। चलो चेक करते हैं क्या है ये। ओह ग्रेट, काफी सारी हेयर स्टाइल्स मिल रही हैं हम लोगों को। ओ भाई, लड़के को लड़की बना दिया, नाइस। और देखते हैं क्या है, साइड फेड, शॉर्ट बॉब, लॉन्ग एंड स्ट्रेट। ओ ब्रो, अगर मैं लड़की लेता ना मैं डेफिनेटली इस हेयर स्टाइल को चूज करता, दिस लुक्स ऑसम। बट ये हम ले तो नहीं सकते, तो और देखते हैं। हेयर स्टाइल्स तो काफी अच्छी हैं बट लड़कों के लिए थोड़ी कमी दिख रही है यार मुझे। चलो थोड़ी और हेयर स्टाइल्स देखते हैं, नहीं तो पीछे ही से कोई चूज कर लेंगे। मुझे अभी तक कोई कुछ खास पसंद तो नहीं आई है। फॉर बॉय, पिक्सी कट, टू ब्लॉक कट। ओ दिस सूट्स अस यार, दिस लुक्स ग्रेट भाई, इसी को चूज करते हैं। बाद में क्या हम कलर भी बदल सकते हैं बालों का? मेरे पास एक प्लान है अपने एक नए लुक को बनाने के लिए। लेट्स ट्राई चेंजिंग द कलर। हाँ, सो अब हम लोग देखते हैं इसमें वायलेट या पर्पल मिल जाए तो उसको चूज करेंगे, जिससे हमारी यूनिफॉर्म के साथ भी वो सूट करेगा। या दिस सूट्स अस मैन, बॉय इज लुकिंग हैंडसम। यस, लेट्स गो विद दिस स्टाइल। और देखते हैं क्या है हमारे पास, और भी कुछ ऑप्शन है शायद। हाँ, चेंज लुक का है। ओके, काफ़ी सारी चीज़ें, मैं ये सब कर लेता हूँ फिर जल्दी से कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो आई एम डन, मुझे जितनी चीज़ें एडिट करनी थी मैंने कर लिया एंड आई थिंक मैं काफ़ी अच्छा लग रहा हूँ देखने में। एंड अब यार और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, मेन गेम खेलना ज़्यादा ज़रूरी है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द गेम। ओके ओके, हेयर्स आर आईडी कार्ड। डैम गाइस, जस्ट गेम को स्टार्ट करो, मैं इतना कुछ नहीं देख सकता, मुझे बस गेम खेलना है। ओके देयर वी गो। युवा अकेडमी नॉइस ब्रो, हम सब एक टीम की तरह फ्यूचर के लिए मिलकर काम करते हैं। वेट व्हाट, वो पीछे जो भी टीचनेक्स जैसा है उसमें प्रोफेसर बने थे वो लेजेंड्स आर्शियस वाले। काफी सारे ईस्टर एग्स है इस गेम में, लेट्स सी। और अब टाइम आ चुका है तुम्हारा भी इस पोकेमोन की दुनिया में कदम रखने के लिए। देयर शी इज, आवर लव निमोना। आई जस्ट कांट वेट टू मीट निमोना मैन। ओके, ये शायद कुछ स्कूल वगैरह के प्रिंसिपल है, इनको मैंने ट्रेलर्स में देखा है। डायरेक्टर क्लावेल, हेड ऑफ युवा अकेडमी। ओके, पार्डिया एक बहुत बड़ा रीजन है, यहाँ बहुत सारे नए पोकेमोन्स और बहुत नया लैंड है। और पार्डिया रीजन घर है कुछ मिस्टीरियस क्रिएचर्स का जिन्हें हम पोकेमोन बुलाते हैं। एंड पोकेमोन्स पार्डिया में बहुत ज्यादा नंबर में पाए जाते हैं। ओके, देयर इज पॉमी आर क्यूटी। यार दिस पोकेमोन इज सो क्यूट, शायद मैं इसे अपनी टीम में रख सकता हूँ अगर ये स्ट्रांग हुआ तो। पोकेमोन सब जगह पाए जाते हैं, स्काइज में, पानी में और इवन सिटीज में भी। ह्यूमंस और पोकेमोन्स काफी सालों से साथ में रहते हुए आए हैं और हमारी युवा अकेडमी इन पोकेमोन्स के बारे में और रिसर्च करना चाहती है और आपको सिखाना चाहती है। हमारी क्लासेस में अलग अलग रीजन से आए लोग साथ में बैठते हैं और पोकेमोन्स के बारे में स्टडी करते हैं। ओ वेट, अ न्यू पोकेमोन, ब्लैक कलर का टॉरस, नाइस भाई। और वो निमोना यूज कर रही है। भाई साहब, ये टॉरस काफी कूल लग रहा है। हमारी इन क्लासेस में ही आप नए दोस्त और नए पोकेमोन से मिलेंगे और अपना फ्यूचर बेहतरीन बनाएंगे। भाई इतनी देर से युवा अकेडमी का प्रमोशन किया जा रहा है लगातार। ओके, लगता है इट्स टाइम फॉर आवर जर्नी टू बिगिन। ओ लेट्स गो भाई, देयर्स आवर चैंप, द बेस्ट लेजेंडरी एवर। भाई साहब, मिराडोन इज जस्ट सो कूल, क्या बता, अभी मेरा सेकेंड फेवरेट पोकेमोन बन गया है। ओके, पोकेमोन वायलेट, एंड आई एम स्टिल लविंग द ग्राफिक्स एंड म्यूजिक। ओ भाई, ओके, नए पोकेमोन्स थे जो उड़ के गए हैं जस्ट हमारे बगल से, शायद हमें और भी नए पोकेमोन्स दिख जाए। ओ भाई, अच्छा सो ओ ब्लैक वाले टॉरस, लेट्स गो मिराडोन, ब्रो दिस इज सो कूल। व्हाई एम आई गेटिंग सो मच गूज़बम्स भाई, ब्रो इसकी स्पीड कितनी अच्छी है। ओके, फिर से नए पोकेमोन, पता नहीं क्या ये कुछ ऑस्ट्रिच जैसे थे क्या, सोचो अगर इतनी स्पीड से हम लोग भी इसके साथ उड़ पाए। ओके, ये वहीं आ गया है, क्या नाम था, युवा अकेडमी, यस। ओके, सिटी में ट्रैवल कर रहा है, लोग पागल हो रहे हैं, एंड कहीं तो जा रहा है ये। ओके, लाइट हाउस है शायद ये। व्हाट व्हाट, ही जस्ट फेल डाउन, ऐसा क्या हुआ, ज़्यादा उड़ लिया क्या भाई तू।
ओके, फिर से नए पोकेमोन्स, ग्रीन कलर के पैरट्स। अभी तक हम काफ़ी सारे नए फ्लाइंग टाइप पोकेमोन देख चुके हैं। एक वो पिंक कलर का था, एक ये है, और एक और जो हम लोग ने शुरू में अपने बगल से निकलते हुए देखा था। ओके, हमारा घर आ चुका है। ओ भाई, काफ़ी अच्छा घर है हमारा, सीरियसली काफ़ी अच्छा है। ये बंदा घर पे भी स्कूल यूनिफॉर्म पहन के क्यों बैठा है भाई? यही कपड़े हैं क्या तेरे पास? वो पीछे अलमारी क्यों है इतनी बड़ी? तीन स्टिकर लगा के बैठा है। बाय द वे, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं अपने कैरेक्टर को इतनी बढ़िया डिज़ाइन दे पाया हूँ। हम लोग लग रहा है कि पूरे वायलेट पे बेस्ड कैरेक्टर्स हैं। ओके, ये उठाने हैं क्या? नहीं, अभी नहीं उठा सकते। ओके, थोड़ा अपना कमरा एक्सप्लोर करते हैं। काफ़ी खुला हुआ कमरा है अपना। ओके, स्कोवेट का टॉय है और एक क्रोगन का भी है। देखते हैं शायद कोई नए पोकेमोन दिख जाए। ओके, हम लोग भाग क्यों नहीं सकते हैं? यहाँ पर ड्रिफ्लून, ड्रिफ्लून और एप्पलटन और एक हैटर्नी का स्टिकर लगा है। निंटेंडो स्विच OLED टीवी और एक पीकाचू बना है बुक में, और दूसरी बुक का शायद नया पोकेमोन है, मे बी। ओके, अब नीचे चलते हैं, अपनी पोकेमोन जर्नी भी शुरू करनी है और ओपन वर्ल्ड का मज़ा भी उठाना है। ब्रो, टेक्सचर कितने अच्छा है इस गेम का। मंचा, ओके, स्कोवेट फ्रॉम पोकेमोन स्वॉर्ड एंड शील्ड। हाँ ओके, अभी हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, बट टेक्स्ट की स्पीड फास्ट कर लेते हैं एंड ऑटो सेव को भी बंद कर लेते हैं। कहाँ गया ऑटो सेव? ओके, हाँ, ये करना काफ़ी ज़रूरी होता है हर पोकेमोन गेम में, अगर आप अच्छे शांति से गेम खेलना चाहते हो। सो हमारी मॉम को कहीं आस पास ही होना चाहिए। भाई, हमारा काफ़ी सुंदर घर है। ये रहा किचन एंड देयर इज़ आवर मॉम। ओके, मॉम काम कर रही है, चलो इधर चलते हैं। गुड मॉर्निंग विख्यात। ओह, तुम अपनी यूनिफॉर्म में पहले ही आ चुके हो। तुम अपने स्कूल के पहले दिन के लिए काफ़ी एक्साइटेड लगते हो। स्कूल से मुझे कॉल आया था, उन्हें कहा था कि तुम्हें घर पे थोड़े टाइम तक रुकना होगा। लगता है स्कूल से तुम्हें कोई लेने आया होगा। ओके, काश निमोना हमें हमारे घर लेने आई हो। भाई, ये स्कोवेट तब से मंचा मंचा बोल रहा है। भाई, तू मंचलैक्स नहीं है, स्कोवेट स्को बोल, अलग लेवल है भाई ये तो। ओके, देखते हैं हमारे घर कौन आया है। अच्छा, वो गेट नहीं है। डू फॉरगिव द इंट्रूजन। और तुम हो गए मास्टर विख्यात। हाँ, मुझे खुद को इंट्रोड्यूस करने दो। मैं हूँ डायरेक्टर क्लावेल, युवा अकेडमी से। डायरेक्टर, आप यहाँ? वेल, बच्चों को उनके पहले दिन पर पिकअप करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मुझे आप लोगों को कुछ सामान भी देना था। ये लीजिए। आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं थी, आप आए गए हैं तो मैं आपको चाय पिला देती हूँ। विख्यात, अपने कमरे में जाकर अपनी यूनिफॉर्म पहन लो, मुझे डायरेक्टर से कुछ बात करनी है। मिस्टर क्लावेल, आइए। ज़रूर। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है भाई, मेरे डैड कहाँ है? डैड को बुलाओ, ये सब क्या हो रहा है? ओके, तो अपने कमरे में चलते हैं। एंड अभी भी मुझे एक चीज़ खड़ी हो रही है कि हम लोग भाग क्यों नहीं सकते हैं? स्वॉर्ड एंड शील्ड में तो हम लोग घर की शुरुआत से भाग सकते थे, बट अभी हम लोग नॉर्मली ही चल रहे हैं। सो देखते हैं। हाँ, यहाँ थी हमारी हैट और बैग, तो इन्हें पहन लेते हैं एंड वील बी रेडी फॉर आर जर्नी थ्रू द पाल्डिया रीजन। लेट्स गो बॉयज, देयर्स अ बैग, देयर्स आर हैट, एंड वी आर रेडी फॉर आर जर्नी। आई वॉन्ट लाइ, जब मैंने इस गेम के पहली बार प्रोटैगनिस्ट को देखा था, मेल एंड फीमेल, तो मुझे लगा था वो दोनों काफ़ी गंदी डिज़ाइन रखते हैं, बट ये चीज़ अच्छी है कि हम इन्हें कस्टमाइज कर सकते हैं एंड अब ये काफ़ी स्मार्ट लग रहा है। बट आई वंडर इफ हम लोग अपनी यूनिफॉर्म भी बदल सकते हैं। ये देखिए, दोनों की बातें अभी तक चल ही रही हैं। मिस्टर क्लावेल, मुझे आप कुछ ठीक नहीं लग रहे। ये यूनिफॉर्म तुम्हें सूट करती है बच्चे? ओह, मैं इतना केयरलेस कैसे हो सकता हूँ? मैं तुम्हें एक चीज़ तो दिखाना ही भूल गया, प्लीज़ मेरे साथ बाहर आओ विख्यात। पता नहीं वो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होगी, विख्यात तुम्हें देखना चाहिए। ओके, देखते हैं भाई मिस्टर क्लावेल जी क्या भूल गए। एंड अब फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने घर के बाहर ओपन वर्ल्ड में, एंड दिस लुक्स ब्यूटिफुल बॉय। बाय द वे, इस गेम में मॉम की डिज़ाइन पर भी काफ़ी फोकस किया गया एंड काफ़ी अच्छी डिज़ाइन बनाई गई है। ओके, तुम तीनों के पोकेबॉल से बाहर आने का वक्त आ चुका है। सो हे एवरीवन, दे आ फ्यूकोको, क्वैक्सली एंड स्पिरिगातितो। स्पिरिगातितो द कैट पोकेमोन, फ्यूकोको द फायर क्रोकोडाइल पोकेमोन, और क्वैक्सली द डक पोकेमोन। ये तीनों ही अपनी नई जर्नी शुरू किए हुए ट्रेनर्स के लिए काफी अच्छे पोकेमोन होते हैं। लगता है इन तीनों को तुम पर काफी इंटरेस्ट है, एक्सेप्ट मुझ जैसे बुढ़े पर। तुम इन तीनों के साथ टाइम स्पेंड करो और चूज करो तुम्हें कौन से चाहिए, मुझे मेरे घर पर मिलना। डायरेक्टर कितने अच्छे आदमी हैं।
पर इन तीनों को उनके घर तक ले जाना आसान तो नहीं होने वाला है। पर क्योंकि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी तुम्हें दी है, तुम्हें इन तीनों को लेकर उनके घर तक जाना चाहिए। एंड ये भी ले लो। ओके, सो इस गेम में भी हमें रोटोम फोन मिलता है, ये पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड में भी मिलता था, मुझे काफी पसंद था। बट आई एम नॉट श्योर अगर मुझे रोटोम डेक्स ज्यादा पसंद है जो अलोला में होता है, या रोटोम फोन जो स्कारलेट एंड वायलेट एंड स्वॉर्ड एंड शील्ड में होता है। एंड आई एम स्टिल नॉट श्योर कि मैं इन तीनों में किसको चुनने वाला हूँ ब्रो, लिटरली। देखो, क्वैक्सली को तो मैं नहीं चुनने वाला हूँ, क्योंकि आई थिंक वो काफ़ी बोरिंग डिज़ाइन रखता है, मतलब जस्ट लाइक एक ब्लू कलर का साइडक, एक्चुअली शाइनी साइडक जैसा। एंड सेकेंडली, मुझे स्पेरी घटी तो ज़्यादा पसंद है, बट मुझे थोड़ा डर लगता है कि कहीं वो थोड़े बेकार फॉर्म में इवॉल्व ना हो जाए, जैसे डेलफॉक्स या फिर प्रीमरीना, वो काफ़ी फेमिनिन पोकेमॉन लगती हैं। एंड मुझे ऐसे पोकेमॉन्स यूजुअली पसंद नहीं होते हैं जो किसी एक जेंडर पर फोकस करते हैं। सो अल्टीमेटली वी आर लेफ्ट विथ फ्यूकोको। एंड एक्चुअली मैंने थोड़े दिन पहले एक कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी कि आप लोग मुझे कौन से स्टार्टर लेते हुए देखना चाहते हो, आपका फेवरेट कौन है। तो उसमें 70% लोगों ने फ्यूकोको को वोट किया था, एंड 17 और 16 कुछ स्पिरी घटीटो एंड क्वैक्सली में डिवाइडेड था। अब ये बेस फॉर्म में तो मुझे स्पिरी घटीटो सबसे ज़्यादा पसंद है, बट आई एम नॉट श्योर कि इवॉल्व होने के बाद वो उतनी अच्छी बन पाएगी कि नहीं। एंड काफ़ी लोग कह रहे हैं कि वो बाइपीडल नहीं। व्हाट, आउट ऑफ नो वेयर आई जस्ट स्टार्टेड रनिंग, ये क्या था? क्या इस लड़की ने मेरी मदद करी है? हे, क्या तुमने मुझे भागने की शक्तियाँ दी हैं दोस्त? थैंक्स ब्रो। अब हम भाग सकते हैं, हम स्लाइड भी कर सकते हैं। ओह, ये काफ़ी कूल था, ऐसे भागो और फिर बी दबाओ तो हम लोग स्लाइड कर सकते हैं। आई लाइक दिस स्टफ ब्रो। स्पिरी घटीटो या फ्यूकोको में मैं अभी भी कन्फ्यूज हूँ, बट आप लोग भी चाहते हो कि मैं फ्यूकोको लूँ, तो आई एम प्रोबेबली टेकिंग फ्यूकोको एज माई स्टार्टअप पोकेमॉन। सो अब शायद हम आ चुके हैं प्रोफेसर की लैब में, विच लुक्स अ लॉट लाइक अ हाउस। भाई प्रोफेसर काफ़ी पैसे वाले हैं। भाई साहब, सारे स्टार्टर्स कहाँ गए? भाई साहब भाग रहे, ये गया अपने पानी में, ऑफकोर्स बीइंग अ वाटर टाइप स्टार्टर क्वैक्सली। एंड अब यहाँ स्पिरी घटीटो फ्लास्क का स्मेल लेती हुई, एंड इन द एंड अपना होगा फ्यूकोको जो एप्पल खा रहा है। एंड यस, ये सीन ट्रेलर्स में भी था, और ये अब फ्यूकोको एप्पल को जला देगा ऑफकोर्स। ब्रो फ्यूकोको इज क्यूट। ओके प्रोफेसर आ गए, नहीं डोंट टेल मी इट्स हर, एंड देयर शी इज आवर लव निमोना। मास्टर विख्यात ने अभी अपनी चॉइस नहीं बनाई है। मैं सोच रहा हूं कि विख्यात कौन सा स्टार्टर लेगा। ओ भाई, निमोना को बस हंसता हुआ देख लो, लाइफ बन जाती है। बट अभी उससे बड़ा क्वेश्चन है कि हमें इन तीनों में कौन सा स्टार्टर चुनना है। भाई साहब देखो, फ्यूकोको या स्पिरी घटीटो, क्वैक्सली इज ऑलरेडी आउट ऑफ द बॉक्स। तो मैं हूँ निमोना, मेरे दोस्त बनना चाहोगे? निमोना तुम्हारा दोस्त ही, तुम्हारा बहुत कुछ बनना चाहूँगा मैं। मुझे पोकेमॉन बैटलिंग करना बहुत पसंद है। अब देखो तुम्हें कौन सा स्टार्टर पोकेमॉन लेना है। तो मास्टर विख्यात चुनिए अपने स्टार्टर पोकेमॉन को। ओके, सो मेरा डिसीजन फाइनल हो चुका है, मैं स्पिरी घटीटो को नहीं चुन रहा हूँ, मैं चुन रहा हूँ फ्यूकोको को, कॉज ही इज फ्यूकोको। तो क्या तुम फ्यूकोको एक फायर टाइप पोकेमॉन को चुनना चाहते हो? यस प्रोफेसर, आई डेफिनेटली लाइक टू चूज फ्यूकोको एज माई स्टार्टर पोकेमॉन, एंड ही लुक्स वेरी हैप्पी। वहीं पर क्वैक्सली बैकग्राउंड में काफ़ी दुखी लग रहा है। बाद में मैंने कल ही इस पोकेमॉन के लिए एक निकनेम सोच लिया था, मैंने तीनों स्टार्टर्स के लिए चुना था। ओ ये मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैंने फ्यूकोको के लिए नाम सोचा था कूरो, क्योंकि कूरो इज़ अ मिक्सचर ऑफ फायर एंड क्रोकोडाइल इन जापनीज, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट फ्यूकोको इज़। एंड आई थिंक कूरो एक काफ़ी अच्छा नाम भी है। सो हाँ, अब अपनी जर्नी शुरू करते हैं विद अ स्टार्टर पोकेमॉन फ्यूकोको। हाँ, हमारा हमारे स्टार्टर के साथ कटसीन, और ये पिकाचू के जैसे हमारे कंधे पर बैठा है। आई लव दिस सीन भाई, ये थंबनेल पर लग रहा है। शायद फ्यूकोको तुम्हें पसंद करता है विख्यात, उसकी ट्रेनिंग अच्छे से कराना। विख्यात मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने फ्यूकोको को चुना, तुम दोनों साथ में कितने क्यूट लगते हो। निमोना तुम भी काफ़ी क्यूट लग रही हो। तुम्हारे पास तो पहले से एक पोकेमॉन है ना? हाँ, बट मुझे एक स्टार्टर पोकेमॉन भी चाहिए। ठीक है, तुम एक स्टार्टर पोकेमॉन चुन सकती हो। यस,
क्योंकि विख्यात ने फ्यूको को चुना है, मैं चुनती हूँ स्पीरी गटीटो को। ओके विख्यात, हम दोनों के पास हमारे स्टार्टर्स आ चुके हैं, तो चलो बैटल करते हैं। मैं बीच पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। ओके सो हम लोग भी इस सुंदर से बीच पर आ चुके हैं, एंड ये लेजेंड्स आर्शेस के बीच से काफ़ी बेटर लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा मोर रियलिस्टिक। ओके सो इधर पूरा स्टेडियम बन रखा है, मतलब स्टेडियम तो नहीं बैटल ग्राउंड बन रखा है। सो लेट्स बैटल निमोर एंड शो हर कि हम लोग उसे डिजर्व ज़रूर करते हैं। येस आई एम रेडी टू बैटल। एंड देयर वी गो गाइस, हमारी बैटल निमोना के साथ शुरू होने वाली है, एंड हम निमोना को प्रूव करने वाले हैं हाउ स्ट्रांग वी आर। सो निमोना ने भेजा है स्पिरिगटीटो को और मैं भेज रहा हूँ कूरो यानी अपने फ्यूको को। एंड बाद में प्रीटी मच स्केयर्ड कि कहीं निमोना के पास वो ब्लैक वाला टॉरस ना हो, क्योंकि हम लोग को शुरू में दिखाया गया था कि वो भी ये ओन करती है। ओके चलो एम्बर का यूज़ करते हैं। एंड देयर गोज द सुपर इफेक्टिव एम्बर। ओह सो तुम टाइप एडवांटेजेस के बारे में जानते हो? हाँ नहीं भाई, इतने सारे पोकेमॉन गेम्स ऐसे ही ख़त्म कर रखे हैं। ओके सो मुझे इस गेम की कुछ एनिमेशंस अच्छी लग रही हैं एंड कुछ नहीं, जैसे स्क्रैच वगैरह की खराब लग रही है क्योंकि वो दूरी से हो जा रहे हैं। इवन लेजेंड्स आर्शेस में भी ऐसा नहीं था, बट एम्बर और स्टार्ट लोअरिंग मूव्स की एनिमेशन थोड़ी अच्छी हुई है। hey, तुम तो काफ़ी अच्छी बैटलिंग कर लेते हो। व्हाई डू आई गेट अ फीलिंग कि निमोना भी हम लोग पर सिंपिंग कर रही है? ओह लगता है तुम दोनों काफ़ी जल्दी दोस्त बन गए। निमोना विख्यात को ट्रेन करने में उसकी मदद ज़रूर करना। विख्यात मैं तुम्हारा पोकेडेक्स अपडेट कर देती हूँ। ये डायरेक्टर कह रहे हैं कि निमोना मुझे ट्रेन करेगी। भाई मैंने उसे हराया, मुझे उसे ट्रेन करना चाहिए राइट? पोकेडेक्स काफ़ी अमेजिंग है ना। हमारे दिनों में तो पोकेडेक्स होता ही नहीं था, हम लिख कर पोकेडेक्स भरते थे। ओह इज ही टॉकिंग अबाउट लेजेंड्स आर्शेस? इस गेम का पक्का लेजेंड्स आर्शेस से कुछ कनेक्शन है। एक तो ये काफ़ी बूढ़े हैं, प्लस ये कह रहे हैं लिख के पोकेडेक्स भरते थे, और लेजेंड्स आर्शेस में भी बुक होती थी जिसमें हम लोग लिखते थे। एंड सेकेंडली इनकी जो लैब थी उस पर शुरुआत में मैंने पॉइंट आउट किया था कि वहाँ प्रोफेसर लैवेंटन की फ़ोटो लगी थी, सो डैट डेफिनेटली मीन्स समथिंग। ओह लॉल, मैं क्वैक्सली के लिए काफ़ी बुरा फील कर रहा हूँ, बेचारा किसी ने उसे नहीं लिया। हे विख्यात, तुम्हें पोकेमॉन पकड़ना सीखना है तो मेरे साथ आ जाना। ओके सो निमोना भी हम लोग में थोड़ी इंटरेस्टेड लग रही है, एंड मैं तो उसमें इंटरेस्टेड हूँ ही, तो शायद गेम की एंडिंग आते आते हम लोग के बीच में कुछ तो हो ही जाए। सो चलो जल्दी से चलते हैं निमोना के पास। हे विख्यात, मैंने सुना निमोना तुम्हें काफ़ी चीज़ें सिखाने वाली है। मैम आप सब मुझ पर छोड़ दीजिए। ओह विख्यात, तुमने काफ़ी जल्दी अच्छे दोस्त भी बना लिए। मैंने तो ये भी सुना है कि युवा अकेडमी में काफ़ी अच्छे टीचर्स पढ़ाते हैं। निमोना विख्यात का ख्याल रखना और विख्यात खाते पीते रहना। देखो मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। ओह एक सैंडविच? हाँ शायद तुम्हें इन पोशंस की भी ज़रूरत पड़ सकती है। गुड बाय विख्यात, इन्जॉय करना। ओके बाय। तुम्हारी मदर काफ़ी स्वीट है। ओह मैं तो भूल ही गई, मुझे तुम्हें पोकेमॉन पकड़ना सिखाना था, जल्दी आओ। अरे यार जस्ट अभी से बताया था मैं इतने रीजन का चैंपियन ऐसे ही नहीं हूँ, इतने रीजन जीत चुका हूँ तो ऑफ कोर्स मुझे पोकेमॉन पकड़ने आते हैं, बट चलो चलते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स निमोना ने बुलाया है। ओके सो हम लोग आ चुके हैं पोको पाथ पे। नाइस नेम बॉय। ये है पोको पाथ, ये वही पाथ है जहाँ से तुम्हारी पोकेमॉन जर्नी की शुरुआत होने वाली है। ये टाउन्स के जैसा नहीं है, यहाँ पर तुम्हें काफ़ी वाइल्ड पोकेमॉन्स दिखेंगे। ओके सो हम लोग ऑलरेडी काफ़ी सारे नए पोकेमॉन्स देख सकते हैं, जिनमें एक तो लेचोंक है, दूसरा मुझे नहीं पता कुछ नया है। hey, अगर तुम पोकेमॉन पकड़ना चाहते हो तो ये लो तुम्हारे लिए कुछ पोकेबॉल्स। ओके सो अनलाइक अदर गेम्स, इसमें निमोना हम लोग को पोकेमॉन पकड़ के नहीं दिखाएगी, इसमें हम लोग को खुद पोकेमॉन पकड़ना है, दैट्स स्टिल अ लॉट मोर इंटरेस्टिंग। सो इस गेम में काफ़ी नई चीज़ें आई हैं। ओके लेचोंक आ चुका है, सो शायद इसी को कैच करना पड़े, चलो पकड़ लेते हैं। ओके तो मैंने इसे वीक कर दिया, एंड नाउ वी आर कैचिंग आर फर्स्ट पोकेमॉन इन पालडिया रीजन, एंड इट्स लेचोंक। कैचिंग श्योर वॉज फन, बट आई एम अब लिटिल बिट सैड कि अब हम लोग लेजेंड्स आर्शेस जैसे पीछे से पोकेमॉन नहीं पकड़ सकते। सो लेचोंक को भी निकनेम दे देते हैं। मैंने एक नाम का कॉम्बो सोचा है, पिग और मीम, तो बनाएंगे नाम पिम, वो जो है पिग और मीम का एक कॉम्बो। आई नो काफ़ी स्ट्रेंज है, बट वैसे भी इस पोकेमॉन को मैं टीम में यूज़ नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ ऐसे ही पकड़ा है, एंड ऐसे ही काफ़ी पोकेमॉन्स भी पकड़ेंगे जिन्हें हम लोग टीम में तो नहीं यूज़ करेंगे, बट ऐसे ही अभी तो बस टीम भरनी है। ओह ऑसम, तुमने उसे पकड़ लिया। कुछ खतरनाक पोकेमॉन्स को पकड़ने से पहले तुम्हें एक टिप लेनी चाहिए, उन्हें वीक करना। ये लो थोड़ी और पोकेबॉल्स। पोकेमॉन को कमज़ोर करो और फिर उन्हें कैच करो। अब जाओ और मज़े करो।
ओके सो अब हम लोग फाइनली ओपन वर्ल्ड में आ चुके हैं और अब एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा, कुछ नए पोकेमॉन्स कैच करेंगे अगर कुछ इंटरेस्टिंग सा मिला। सो ओपन वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हैं, आई एम वेरी एक्साइटेड। ओके यहाँ काफ़ी सारे हॉपिप हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पकड़ने हैं ये, कोई नए नहीं है। और यहाँ एक और लेचोंक है, नॉट इंटरेस्टेड। और इधर क्या है, ओ फ्लेचलिंग, चलो इसे कैच करते हैं। निमोना ने कहा था अगर हम इस पर अपनी पोकेबॉल फेंकेंगे तो हम बैटल इनिशिएट कर सकते हैं, एंड यस ऐसा ही है। चलो फिर जल्दी से इस पोकेमॉन को भी कैच कर लेते हैं। ओके जाओ पोकेबॉल। वेट व्हाट, ग्लिच हो गया भाई, पोकेबॉल आसमान में हिल रही है और आसमान में ही हमने कैच भी कर लिया। सो अभी तक गेम शुरू हुआ है, हमने दो ग्लिच फेस किए, एक हम लोग जब स्टार्टर्स के अंदर घुस गए थे और दूसरा ये आसमान में पोकेबॉल। बट फ्लैशलिंग को भी पकड़ लिया है एंड मुझे ये रजिस्टर करने का नया तरीका काफ़ी पसंद आया। सो अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और भी यहाँ पे काफ़ी सारे लेचोंक और फ्लैशलिंग और हॉपिप्स हैं, बट और कुछ नया तो नहीं दिख रहा है फिलहाल। और वो बग टाइप था बट मुझे नहीं लगता मैं एक बग टाइप पकड़ना चाहता हूँ। तो आगे और ओपन वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा। और ओके क्या हुआ, सो विख्या तुमने पोकेमॉन को पकड़ना सीख ही लिया। हाँ चलो देखते हैं तुमने कितने पोकेमॉन्स को कैच किया है। ओ भाई व्हाट द हेल, ये क्या आवाज़ थी। ओके व्हाट वाज दैट, इवन आई एम वंडरिंग द सेम निमोना, मैंने ऐसी आवाज़ कभी नहीं सुनी, मुझे देखना होगा ये क्या है। विख्या चलो ढूंढते हैं वो कहाँ है, इधर उधर ढूंढो और थोड़ा सेफ रहना। हाँ ओके काफ़ी अजीब सी क्राई थी वो एंड काफ़ी कूल भी थी, मतलब कुछ लेजेंडरी क्राई थी एंड आई एम प्रिटी श्योर वो मिराइडॉन की ही क्राई थी। बट एक बार सेव कर लेते हैं गेम को, तीन पोकेमॉन्स हैं एंड यस अब आगे बढ़ते हैं। आई एम प्रिटी श्योर कि वो आवाज़ मिराइडॉन पोकेमॉन की थी जो इस गेम का बॉक्स आर्ट लेजेंडरी है, बट एक बार फिर भी देख लेते हैं, मे बी कुछ नया भी हो सकता है। ओके व्हाई एम आई गेटिंग गूज़बम्प्स, कुछ तो खास होने वाला है, नीचे झाँकते हैं एक बार। और यहाँ बीच है और लेट्स सी, हाँ कुछ भी नहीं है। ओ ओ मिराइडॉन, यस बॉयस, अब ये दो हॉन्डूर मिराइडॉन को मारना है बेटा, तुम दोनों के स्टार्ट मिला देंगे तो भी उसके स्टार्ट नहीं बनेंगे। ओ भाई व्हाट अ क्राई, ओ ओ ओ ओ भाई क्या हम लोग नीचे गिरने वाले, नहीं अबे शुरू होने से पहले ही जर्नी खत्म हो जाएगी क्या। वाह हम लोग रोटॉम फोन पे लटक के आ गए, बट देखते हैं अब नीचे क्या हाल है। देखो कितने स्वैक्स आए थे दोनों, अब भाग भी उतने ही स्वैक्स रहे। ओके हम लोग को मिराइडॉन की हेल्प करनी होगी, ही लुक्स सो इनोसेंट यार, इज सच अ कूल पोकेमॉन, आई एम प्रिटी श्योर ये बहुत जल्द मेरा फेवरेट पोकेमॉन बन सकता है। ओ वी नीड टू हेल्प हिम यार, कितने प्यार से बुला रहा है। अच्छा सो हम लोग इसको अपना सैंडविच दे सकते हैं जो हमारी मॉम ने हम लोग को दिया था, ये ले भाई सैंडविच खा ले। थोड़ा भाई डर भी लग रहा है, हाथ वाथ ना काट ले अपना, ले एक इनडायरेक्टली है तो एक लिजर्ड ही, बट मुझे काफ़ी इनोसेंट एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी लग रहा है। सो या दैट्स व्हाई आई एम लविंग दिस पोकेमॉन। ओ भाई ग्रेट, ही एट इट जस्ट लाइक अ किड। ओ क्या ये हम लोग को थैंक यू बोल रहा है, ये बंदा मुझे इतनी हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन के ड्रैगन्स की फीलिंग क्यों देता है। अगर आप लोग ने वो मूवी देखी है तो आपको पता होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, पूरा हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन वाली पर्सनालिटी है इसकी। ओके शायद इसी केव से निकले थे वो दोनों होंडूर, तो अंदर कुछ तो है एंड मिराइडॉन वहीं जा रहा है। ब्रो एक सैंडविच खा के तुझमें कितनी ताकत आ गई। ओके सो क्या हमें उसे फॉलो करना होगा, ही स्टॉप्ड, हाँ क्या हुआ दोस्त। ओ क्या ये कोई नया मूव है जो मिराइडॉन का एक्सक्लूसिव है, ये कर क्या रहा है, फॉर्म बदल रहा है क्या। हाँ भाई ये इसका दूसरा फॉर्म है, आई नेवर नोटिस कि इसके दो फॉर्म्स होंगे, बट जो भी हो दिस पोकेमॉन इज फ्रीकिंग कूल मैन। भाई अब वो हॉन्डूर जन्म जन्म तक याद रखेंगे इसको। एंड देयर ही गोज, और उसने हमारी आंखों में कुछ तो देखा है। हे मिराइडॉन, ओके सो हम लोग को प्रॉबेबली इसको अंदर केव के अंदर फॉलो करना है एंड वहां पे कुछ तो करने जा रहा है, प्रॉबेबली इसके दुश्मन हो सकते हैं अंदर या जो भी हो,
इमेजिन वहाँ पर कोराइडॉन पोकेमोन हो, लॉल। बट सो हाँ, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग मिराइडॉन को फॉलो करेंगे केव के अंदर और देखेंगे केव के अंदर ऐसी क्या मिस्ट्री है। सो काफ़ी मज़ा आने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में, उसे देखना बिल्कुल मत भूलना। सो हाँ, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय।